हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर एंड देयर आइगन वैल्यूज। देखो, क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ऑपरेटर समझना पड़ेगा। जैसे जब हम बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हमें मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये आना बहुत जरूरी होता है, ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में हमें ऑपरेटर्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं, अल्टीमेटली सारी ही प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज आइगन वैल्यू या कह सकते हैं ऑपरेटर और उसकी आइगन वैल्यू के बिना पूरी क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, उनकी करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम ऑपरेटर की। किसकी बात करेंगे? मोमेंटम ऑपरेटर की। जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी कैप से। तो पी कैप इज द मोमेंटम ऑपरेटर। इस मोमेंटम ऑपरेटर की जो वैल्यू होती है वो आपको याद करनी पड़ेगी, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। बहुत सिंपल वैल्यू, बस आपको यही याद करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी ऑपरेटर्स होंगे ना वो सब इससे निकल जाएंगे। एक एनर्जी ऑपरेटर और है, वो आपको याद करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास होता है माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ये होता है उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट। अगर जनरल बात करूं मैं तो माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल, यहां पे जो डेल है वो आप समझ गए, ठीक बात समझे, जो वेक्टर में हम नेबुला ऑपरेटर पढ़ते हैं वही है। यानी क्या? डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये हमारे इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। अगर इस डेल ऑपरेटर की वैल्यू को हम डेल ऑपरेटर की जगह पर रख दे तो हमारा जो मोमेंटम बन जाएगा वो बन जाएगा पी कैप इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। अब माइनस आयोटा एच क्रॉस को हम सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर है वो बन जाएगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स अलॉन्ग आई डायरेक्शन में, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई जे कैप, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड के कैप। सिंपली क्या करा हमने, माइनस आयोटा एच क्रॉस को डेल बाई डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा एच क्रॉस को डेल बाई डेल वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा एच क्रॉस को डेल बाई डेल जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारा ये पार्ट है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। इसको हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं, जो मोमेंटम ऑपरेटर है हमारा इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप, इसको हम लिख सकते हैं पी वाई जे कैप, इसको हम लिख सकते हैं पी जेड के कैप। मोमेंटम ऑपरेटर कह लो या कोई भी वैक्टर कह लो, कोई भी वेक्टर कह लो, उसके तीन ही कंपोनेंट होंगे थ्री डायमेंशन में। एक होगा एक्स कंपोनेंट, एक होगा वाई कंपोनेंट, एक होगा जेड कंपोनेंट। तो बेसिकली जो आपका मोमेंटम ऑपरेटर होता है थ्री डायमेंशन की अगर हम बात करें तो थ्री डायमेंशन में मोमेंटम ऑपरेटर आपके पास होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस नेबुला ऑपरेटर कह लो या डेल ऑपरेटर कह लो, जिसकी वैल्यू कितनी होती है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। दैट्स इट। अब करा क्या आपने, माइनस आयोटा एच क्रॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इससे भी करा, इससे भी करा, इससे भी करा, फिर आपने मान लिया ये एक्स के अलॉन्ग मोमेंटम ऑपरेटर, ये वाई और ये जेड कंपोनेंट हो गया उसका। यानी आप कह सकते हो अगर आपको सिंपली मोमेंटम ऑपरेटर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अगर आपको निकालना है, ये कह सकते हो मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट निकालना, तो हो जाएगा पी एक्स कैप इक्वल्स टू दिस माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल, जिसको हम मोस्ट ऑफ द केस में क्वांटम मैकेनिक्स में यूज करते हैं। तो ये आपको रिमेंबर करना है कि मोमेंटम ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट, यानी कि अगर आपको जो वेव फंक्शन है ना उसमें सिर्फ एक्स ही अगर आ रहा है तो हम उसके एक्स कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू होती है माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स होती है। नाउ अगर वाई कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर इन वाई डायरेक्शन, अगर वाई की बात करें तो वाई डायरेक्शन में जो मोमेंटम ऑपरेटर हो जाएगा पी वाई कैप वो ये हो जाएगा, यानी कि माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई हो जाएगा। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में बात करें तो जेड डायरेक्शन पी जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड हो जाएगा। ये दोनों बहुत
रेयर केस में यूज होते हैं। बेसिकली हम चाहे आप CSIR नेट का एग्जाम देख लो, चाहे आप गेट का देख लो, चाहे टिफर का देख लो, चाहे जेस्ट का देख लो, कोई भी एग्जाम आप देख लो, चाहे अपने कॉलेज के एग्जाम देख लो, हमेशा जो हम यूज करते हैं वो एक्स कंपोनेंट ही यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। तो अगर एक्स कंपोनेंट याद है तो बाकी कंपोनेंट तो अपने आप वैसे भी याद हो जाएंगे। कैसे याद करोगे? एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, एक्स के अलॉन्ग होगा तो एक्स आएगा, वाई के अलॉन्ग होगा वाई, अगर जेड के अलॉन्ग होगा तो जेड आएगा। दैट्स इट। नाउ अब हम सेकेंड ऑपरेटर लिखते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम ऑपरेटर हमारा हो गया माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल, इसको बाकी सब मैंने इरेज कर दिया। अब सेकेंड ऑपरेटर हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। इस काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को हम इसी मोमेंटम ऑपरेटर से डिराइव कर देंगे। वो कैसे? हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है मोमेंटम का स्क्वायर बाई ट्वाइस एम होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है मोमेंटम का स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, इतना तो आता ही होगा, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर को एम से करो डिवाइड, एम से करो मल्टीप्लाई, तो 1 बाई ट्वाइस एम। एम वी क्या होता है? मोमेंटम का स्क्वायर होता है, तो मोमेंटम का स्क्वायर बाई ट्वाइस एम इस काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सा, क्लास 11 में पढ़ा था हमने ये। तो काइनेटिक एनर्जी होती है मोमेंटम का स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, तो मोमेंटम को यहां रख दो, क्या दिक्कत है? तो काइनेटिक एनर्जी जो ऑपरेटर आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होगा? मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम। तो यहां पर मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू रख दो माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल का स्क्वायर बाय ट्वाइस एम आ जाएगा। पी की जो वैल्यू ये रख दी माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल का स्क्वायर और ट्वाइस एम, ऐसी रहा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर आपके पास है, काइनेटिक एनर्जी को सिंपली टी से हम निपटेंगे तो टी कैप हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर डेल का स्क्वायर, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम। यहां पर जो डेल स्क्वायर ऑपरेटर है इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी? डबल हो जाएगा। मतलब मैं सिंपली अगर एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो इसके तो आपका थ्री डायमेंशन में हो गया, ये आपका थ्री डायमेंशन में हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। अगर मैं इसके एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो हो जाएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, यहां पर ले लेंगे हम डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वाई की बात करें तो वाई के अलॉन्ग हो जाएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और जेड के अलॉन्ग की बात करें माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। आपको सिर्फ ये एक्स वाला याद करना है, या फिर ये भी याद कर सकते हो, बाकी तो अपने आप ही निकल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान था, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, पी आपका ये रहा, इसको स्क्वायर कर दो, आपके सॉल्व कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी होगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। ये हो गया थ्री डायमेंशन में, एक्स के अलॉन्ग लोगे तो यहां पर इसका यानी कि यहां पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर रख दोगे, वाई के अलॉन्ग करोगे डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर रख दोगे, और जेड के अलॉन्ग करोगे डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर आप कर देंगे। दैट्स इट। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गया। इसका नेक्स्ट आता हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर तो बेसिकली हैमिल्टोनियन जो होता है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हैमिल्टोनियन का मतलब क्या होगा? टोटल एनर्जी। और एनर्जी किसी सिस्टम में दो तरह की होती है, एक उसकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, एक उसकी हाइट के वजह से या फिर कह सकते हो कॉन्फिग्रेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। तो हैमिल्टोनियन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, और जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू तो अभी निकाल रखे ना, ये रही, रख दो, क्या दिक्कत है? तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपका आ जाएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ये क्या हो गया? थ्री डायमेंशन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया। अगर आपको एक्स के अलॉन्ग लिखना है तो आप यहां पर क्या कर दो? यहां पर डेल स्क्वायर की जगह पर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर रख दो, ठीक है। अगर आप सिंपली एक्स डायरेक्शन में लेना चाहते हो तो एक्स डायरेक्शन में जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो जाएगा माइनस का एच स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, इसके लिए हो जाएगी डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो आप यहां रख देंगे माइनस का एच स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर।
तो ये हो गया आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सिंपली इसमें एक छोटा सा एनर्जी ऑपरेटर भी आता है, एनर्जी ऑपरेटर, जिसको हम ई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी आइगन वैल्यू होती है आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी, ये टाइम पर डिपेंड करता है। तो यही आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ऑपरेटर्स हैं और उनकी आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है। जैसे कि आपका मोमेंटम ऑपरेटर पी हो गया, इसकी आइगन वैल्यू माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल हो गया, एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, जेड डायरेक्शन में क्या होगा, ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की बात करें तो वो होगा माइनस का एच स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस है, एक्स में ये होगा वाई में होगा। और हैमिल्टनियन ऑपरेटर की बात करें तो ये होगा, और अगर आपका एनर्जी ऑपरेटर की बात करें तो उसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखते हैं किसी ऑपरेटर को हम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे मैं सिंपली एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो लेट अस से आपके पास क्या है, वन डी बॉक्स है, वन डायमेंशनल बॉक्स। तो इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वन डायमेंशन बॉक्स अगर हमारे पास क्या है, अनसिमेट्रिक है, तो उसके जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, वेव फंक्शन उसका होता है अंडर रूट 2 बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए, उसका वेव फंक्शन होता है। किसका किसका वेव फंक्शन होता है, वन डायमेंशनल बॉक्स जो कि अनसिमेट्रिक होता है। अब इसमें अगर मोमेंटम ऑपरेटर को अप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है, मोमेंटम ऑपरेटर को मैं साई में अप्लाई करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मुझे पी साई निकालना है, यानी कि मोमेंटम ऑपरेटर को मुझे इस वेव फंक्शन में अप्लाई करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मोमेंटम ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू होती है वो रखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे, तो हमारा वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन हमारा वन डायमेंशनल वेव फंक्शन है, बिकॉज इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, डेल नहीं आ रहा, वाई भी नहीं आ रहा, जेड भी नहीं आ रहा, सिर्फ एक्स आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो वेव फंक्शन है ये एक्स डायरेक्शन में है, तो हमारा जो मोमेंटम ऑपरेटर का वो भी हम एक्स डायरेक्शन वाला ही रखेंगे। यानी कि जो मोमेंटम की, जो मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन वैल्यू होगी माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स होगी, फिर साई है, साई को आप ऐसे रहे, यानी कि पी साई को आप इतना लिख सकते हैं, साई की वैल्यू उठा के यहां रख दे, तो पी साई इक्वल टू माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, और साई की जो वैल्यू वो है अंडर रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए हो गया, ठीक है। अभी कॉन्स्टेंट को आप क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, तो आपका पी साई आ जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस अंडर रूट टू बाई ए, ठीक है, माइनस आयोटा एच क्रॉस अंडर रूट टू बाई ए आ गया आपका यहां पर। फिर यहां पर आएगा डी बाई डी एक्स, और यहां आएगा साइन एन पाई एक्स बाई ए आ जाएगा। अब आपको यहां पर एक बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो पी साई इक्वल टू आ जाएगा आपका, ध्यान समझेंगे, माइनस का आयोटा एच क्रॉस रूट टू बाई ए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स बाई ए, उसके बाद क्या होगा, एन पाई ए से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, एन पाई और ए से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पी को साई में अप्लाई कर तो इतना निकल के आया, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर जो पी है वो आइगन वैल्यू नहीं बन रहा है साई की, बट मैं आपको आइगन वैल्यू सिखाना नहीं चाह रहा यहां पर, आइगन वैल्यू के लिए हम कोई एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको समझाना चाहता हूं, कोई भी आपको ऑपरेटर दिया है और कोई वेव फंक्शन दिया, तो उस ऑपरेटर को उस वेव फंक्शन हम कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आपको पता है कि आपको वेव फंक्शन दिया वन डायमेंशनल बॉक्स का इतना, और मोमेंटम ऑपरेटर को अप्लाई करने को बोल देगा, तो हम पी साई आप लिखेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू रख देंगे और साई की वैल्यू रख देंगे, फिर ये जो ऑपरेटर डेल बाय डेल एक्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेंगे। अगर यहीं पर हमको क्या करना होता, अगर यहीं पर हमको निकालना होता मोमेंटम स्क्वायर ऑपरेटर को साई में अप्लाई करना होता, तो मोमेंटम स्क्वायर ऑपरेटर की वैल्यू रखते, जो कितनी होती, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ वेव फंक्शन को नोट कर लेते, यहाँ पर वेव फंक्शन को मैं दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पर डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो वेव फंक्शन में दो बार हम डिफरेंशिएट करके वैल्यू निकाल लेते। तो इस तरह से हम किसी भी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, और वेव फंक्शन की आइगन वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, याद रखिएगा फिजिक्स इन ईजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान।